की थर्ड प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी बेटा, द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, यानी अगर कोई नंबर परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके पीछे इवन नंबर जीरो होंगे, जैसे दो होंगे, फोर होंगे, सिक्स होंगे, लाइक दिस, जैसे कोई नंबर ये है, ठीक है। तो अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो होंगे, ठीक है। 2 जीरो हो सकते हैं, 4 जीरो हो सकते हैं, यानी कोई नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके जो जीरोज हैं वो इवन टाइम होंगे। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन होगा, और अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड होगा। देखिए इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, तो 6 का स्क्वायर करा 36, 6 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर कितना हो गया इवन, 4 भी एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर कितना हो गया इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, 9 एक ऑड नंबर है, जो 3 के टेबल से डिवाइड ना, 2 के टेबल से डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो 9 2 के टेबल में नहीं आता, 9 एक ऑड नंबर है, तो 9 का स्क्वायर कौन हुआ 81, ये भी ऑड नंबर है, 15 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। स्क्वायर ऑफ नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी नंबर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, यानी 16 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, 5 का स्क्वायर पॉजिटिव। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर इवन होता है तो आंसर काय में होता है प्लस में, ठीक। तो नेगेटिव या पॉजिटिव आंसर जो स्क्वायर के आंसर होंगे दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी से वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो, हमें पता करना है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं इतने सारे, देखिए ये 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 ये, ठीक है, ये हमें पता करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो कुछ तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, देखिए हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा 1057, हमें पता है अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होती है तो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 7, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे यूनिट डिजिट है 8, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यूनिट डिजिट 2, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यूनिट डिजिट 2, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तो हमने डायरेक्ट देख के बता दिए कि इसके यूनिट 2, 3, 7, 8 में से कुछ है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आपके पास थे ये दो नंबर, ठीक है, जिन्हें हमें पता। अब देखिए इस नंबर की बात करें, इवन टाइम जीरो नहीं है, ऑड टाइम है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बचे आपके दो नंबर, ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये जो नंबर है इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, यानी इसके लाइक पेयर नहीं बनेंगे, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर से बात क्लियर कर लीजिए, अगर आपको पता करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं तो हमें क्या चेक करना था, पहले यूनिट डिजिट, ठीक है। तो हमने लिखा स्क्वायर नंबर एंड्स 2, 3, 7, 8, जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो हमने पहले ये चीज चेक करी बेटा, फिर उसके बाद दो नंबर ऐसे थे जिनमें ये डिजिट नहीं थी, तो उसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे और देखेंगे पेयर वैल्यू बन रही है नहीं बन रही है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब आपका है सेकंड क्वेश्चन, कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, वाई। हमें क्या पता है, हमें पता है इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा,
ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा, ठीक है। तो वी नो दैट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। अब हम बात करते हैं 7 to 7, इसकी यूनिट डिजिट 7 है, यानी इवन नहीं है, इससे ये नंबर इवन नहीं है। तो ये कैसा नंबर है? ऑड। इसलिए इसका स्क्वायर भी क्या होगा? ऑड। इसकी बात करते हैं, इसका यूनिट प्लेस 8 है, 2 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर इवन है, इसलिए इसका स्क्वायर भी इवन होगा। सिमिलरली 269, ये टेबल में 2 के नहीं आता 9, तो ये नंबर कौन है? इवन है, सॉरी ऑड है, इसलिए इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। 1980, जीरो, अगर किसी नंबर में जीरो आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर इवन है, इसलिए इसका स्क्वायर भी इवन होगा। 431, ये यूनिट प्लेस इसका 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर ऑड है, इसलिए इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। 2826, यूनिट प्लेस 6 है, 2 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर इवन है, इसलिए इसका स्क्वायर भी इवन होगा। अब इसमें यूनिट प्लेस 5 है, 2 के टेबल में नहीं आता, ऑड है, इसलिए ये नंबर का स्क्वायर ऑड होगा। ये यूनिट प्लेस 4 है, ये नंबर इवन है, अगर यूनिट प्लेस 2 के टेबल्स में डिवाइड हो जाए तो नंबर को इवन कहते हैं, इसलिए इसका स्क्वायर भी इवन होगा। तो हमने क्या चेक किया कि नंबर ऑड है या इवन। अगर इवन है तो उसका स्क्वायर इवन होगा, अगर नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर ऑड होगा। नाउ अब है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यूनिट डिजिट क्या होगी स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर की। 71 का स्क्वायर क्या होगा? 1। क्यों? देखिए 71 के स्क्वायर में 1 यूनिट प्लेस क्या है? 1 है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। सो यूनिट्स डिजिट ऑफ 71 स्क्वायर इज 1। 272 में यूनिट डिजिट इज 2, ये यूनिट डिजिट कहलाती है वंस प्लेस वाली, एंड 2 का स्क्वायर ऑफ 4, 2 का स्क्वायर 4 है, सो यूनिट डिजिट्स ऑफ 272 स्क्वायर इज ऑल्सो 4। 799, यूनिट डिजिट ऑफ 9 स्क्वायर, हम क्या करेंगे इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर किया क्या आया? 81, तो इसका यूनिट प्लेस कौन है? 1, ठीक है। सो यूनिट डिजिट ऑफ 799 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, ठीक। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3853, इसमें यूनिट डिजिट कौन हुई? 3। अब 3 का स्क्वायर कौन हुआ? 3 3 9, तो इसके स्क्वायर की जो डिजिट है वो क्या होगी? 9। यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, यूनिट डिजिट ऑफ 3853 स्क्वायर इज 9। नाउ अब 1534, यूनिट डिजिट इज 4, इसके यूनिट डिजिट कौन है? 4। 4 का स्क्वायर है 16, तो इस पूरे का स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट है वो आएगी 6, तो यूनिट डिजिट ऑफ 1534 स्क्वायर इज 6। अब 26387, इसमें यूनिट डिजिट कौन है? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आया? 49। देखिए फिर से देखिए क्या करना है हमें, यूनिट डिजिट है 7, 7 का स्क्वायर करा 49, इसका मतलब जो इसका स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 9 होगी, तो यूनिट डिजिट ऑफ 7 स्क्वायर इज 49, सो यूनिट डिजिट ऑफ दिस स्क्वायर इज 9। अब ये नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट कौन है? 8। 8 का स्क्वायर कौन है? 64, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे
तो उसकी यूनिट डिजिट आएगी 4। क्या आएगी? 4 आएगी। ठीक, यूनिट डिजिट ऑफ दिस स्क्वायर इज 4। अब ये नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट कौन है? 0। 0 का स्क्वायर कौन होता है? 0। तो इसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 0 आएगी। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर दिस इज 0। अब आपके पास है 12,796। यूनिट डिजिट कौन है? 6। 6 का स्क्वायर कौन है? 36। 6 6 36। सो यूनिट डिजिट, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 6। सो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपका क्वेश्चन है, ये नंबर दे रखा है, इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करेंगे, इसके हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 1 2 2 4 8 2 4 8 2 7 14 2 2 4 2 से 72 को कट करेंगे। 2 3 6 बचा 1, 2 6 12, 2 1 2 बचा 1, 16 हो गया। 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब हम क्या बनाएंगे, हमने इसको लिखा, ठीक है, अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे। देखिए, एक पेयर बना, दूसरा बना, तीसरा बना, कौन रह गया? 2। 2 अकेला है, 2 का पेयर बनाने के लिए हमें एक 2 और चाहिए। ठीक, सो इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। क्या देखना होता है, हमें पेयर बनाना होता है और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए जिससे ये पेयर बन जाए। तो हमें एक और 2 होता तो हमारा ये पेयर बन जाता। इसका मतलब ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास नंबर है 450। क्या नंबर है आपके पास? 450। क्या करना है, हमें बताना है इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 450 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, फिर 3 से कट करेंगे। 3 7 21 बचा 1, 3 5 15, 3 2 6 बचा 1, 15 हो गया। 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5। अब हमने बेटा इसके प्राइम फैक्टर लिखे, जो पेयर बन लिए थे बना लिए। अब हमारे पास बचा 2, एक 2 और होता तो इसका पेयर बन जाता। इसका मतलब इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले हम 3 से कट करें, 3 4 12 बचा 1, 3 4 12, 3 1 3, 3 1 3 बचा 1, 3 4 12 बचा 2, 3 7 21, 7 2 14, 7 1 7, 7 3 21। फिर देखिए, हमने प्राइम फैक्टर लिखे, फिर हमने इनकी पेयर बनाए। अब हमारे पास कौन बचा? 3, एक और 3 होता तो इसका पेयर बन जाता। तो इसका मतलब दिस नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, इसमें भी हम बेटा पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 1 2, 2 7 14, बचा 1, 12 हो गया। 2 6 12, 2 4 8, 0 ऐसे ही। 2 8 16, बचा 1, 2 8 16, 2 2 4, 0 ऐसे। 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 0 ऐसे। 2 2 4, 2 2 4, अब देखिए 10 नहीं, 2 डिजिट नहीं लग सकते, पहले 0 लगाएंगे। फिर 2 5 10, 5 4 20, बचा 2 0, 5 4 20,
5 1 5, 3 1 3 बचा 1, 3 4 12 बचा 2, 3 7 21, 3 4 12 बचा 2, 3 7 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7। तो देखो बेटा इसके प्राइम फैक्टर हमने लिख लिए, हमने दो दो के पेयर बनाए। अब कौन बचा? 5, एक 5 और होता तो इसका पेयर पूरा हो जाता। इसका मतलब इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 5 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आपका है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइड सो दैट द रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। अब क्वेश्चन है इसे किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहला काम होगा प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर में जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, जैसे हमारा है पहले 1152, हम इसके क्या करते हैं प्राइम फैक्टर, 2 5 10 बचा 1, 2 7 14, 2 6 12, 2 2 4 ठीक है बचा 1, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8। ठीक, आप 2 से इसको कट करेंगे, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से कट होगा, 2 3 6 बचा 1 यानी 12 हो गया, 2 6 12, 2 1 2 बचा 1 16 हो गया, 2 8 16, 2 9 18, अब 3 से कट जाएगा, 3 3 9। अब क्या करेंगे, ये हमने सारे प्राइम फैक्टर लिख दिए, अब हमने दो दो के पेयर बनाए। अब हमारे पास कौन बचा एक्स्ट्रा, 2, इसका मतलब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसका एक और पार्ट देखो।